हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल का टेस्ट वन, उसकी विस्तृत व्याख्या पर। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, पहला, चौथा, पांचवा या छठवा। तो जब हम देखते हैं तो हमें मिलेगा छठवा स्थान। ठीक है, तो ये कितनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 7,26,26,809। ठीक है, इसी के साथ और हम देखें कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हमको मिल जाता है और जनसंख्या के हिसाब से छठवा। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर, ये दिशा के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर कि पहले बड़वानी की पहाड़ी पड़ती हैं, महादेव, मैकल श्रेणी, कि महादेव, बड़वानी, मैकल श्रेणी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, कि सबसे पहले यदि हम पश्चिमी भाग की तरफ जाएं तो हमको मिलता है पश्चिमी सतपुड़ा में बड़वानी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद जब हम मध्य में आते हैं तो हमको मिल जाता है महादेव की श्रेणी और पूर्वी सतपुड़ा पर हम क्या बोलते हैं, मैकल श्रेणी। क्लियर हुआ, ये हमको याद रखना है। सतपुड़ा की यदि हम बात करें तो किस श्रेणी का हिस्सा है, तो दक्कन का जो पठार हम बात करते हैं या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, भारत का प्रायद्वीप उसका हिस्सा है। ठीक है, सात पर्वतों की एक श्रृंखला है। क्लियर, ये याद रखना है हमको। और यदि राज्य देखें तो मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर ये गुजरती है। इसी के साथ साथ इसके जो समानांतर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में हमको मिलती है तो वो मिलेगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्कियन क्रम की चट्टाने, किस क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टाने जिसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित, मतलब कहाँ किस स्थान पर हमको ये मिलेंगी, ऊपरी विंध्यन, बुंदेलखंड, बघेलखंड या भोपाल। तो ये हमको मिलती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर हुआ, कहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में हमको आर्कियन चट्टाने मिल जाती हैं। आर्कियन चट्टाने क्या होती हैं कि जो शुरुआत में पृथ्वी के जो लावा या मैग्मा होता है उसके जमने से, किसके, लावा या मैग्मा के जमने से और रूपांतरण के द्वारा जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं आर्कियन चट्टाने। और ये आर्कियन चट्टाने मुख्यतः आपको इसमें ग्रेनाइट मिल जाएगा और कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसी के साथ इस बुंदेलखंड नीस आपको मिल जाएगा, बुंदेलखंड नीस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टाने जबलपुर में किस रूप में पाई जाती हैं। जो कायांतरित अवसादी चट्टाने जबलपुर में पाई जाती हैं वो किस रूप में हैं, कि ग्रेनाइट के, मैग्नीज के, या चूना पत्थर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इसका आंसर देखते हैं तो आंसर हमको मिलेगा चूना पत्थर के रूप में। ठीक है, चूना पत्थर के रूप में आपको अवसादी चट्टाने मिल जाती हैं। क्या होती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, चट्टाने जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी, मतलब इसमें
जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब हम बात करते हैं आर्कियन, आर्कियन श्रेणी जो चट्टानें होती हैं उनके रूपांतरण से ही कौन सी धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो आर्कियन में भी जीवाश्म रहित होती हैं और धारवाड़ भी, ठीक है। तो जबलपुर में जो चूना पत्थर हमको मिल जाता है जिसमें स्लेट, सिस्ट, ग्रेनाइट, अभ्रक, मैग्नीज ये और भी खनिज हमको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ सेल समूह, ये भी धारवाड़ से ही, एक सौंसर सीरीज और सकोली ये किस जिले में पाई जाती हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा या रीवा? तो ये क्या है, धारवाड़ सेल समूह की सीरीज है, सौंसर सीरीज और सकोली। तो कहाँ पर मिलती है हमको? तो ये मिलती है हमको छिंदवाड़ा में। और ये जो दोनों सीरीज हैं ये मुख्यतः फेमस किस लिए हैं? तो ये मिलेंगी आपको मैग्नीज के लिए, ठीक है, ये क्लियर रखना है। मैग्नीज के लिए ये दोनों सीरीज फेमस हैं और कहाँ मिलती हैं? तो छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से संबंधित है कि सतपुड़ा और मैकल श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी कौन सी दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का, गोदावरी नर्मदा, नर्मदा छिप्रा, यमुना नर्मदा या कोई नहीं? तो जब हम देखते हैं कि कौन सा हमको, तो ये मिलेंगी गोदावरी और नर्मदा, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी जो जाती है तो यहाँ पे आपको उत्तर में आपको उसके मिलेगी नर्मदा और नीचे दक्षिण में गोदावरी। तो इन दोनों के अपवाह क्षेत्र को अलग करती है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये आपको बताना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा ये मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है, युनाला जिसको शीत ऋतु बोलते हैं, मावठ पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा या चौमासा वर्षा ऋतु। तो इसमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो देखें तो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है ये प्रदेश को दो भागों में बांटती है, तो ये तो सही आंसर है युनाला। तो युनाला किसको कहा जाता है? ये युनाला शीत ऋतु को नहीं कहा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं युनाला, ये याद रखना है। युनाला कहते हैं हम ग्रीष्म ऋतु को, मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसको युनाला कहते हैं। और जो ठीक है, और जो शीत ऋतु है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं सियाला, ये क्लियर याद रखना है हमको, क्या? सियाला। इसी के साथ मावठ, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है ये है, और चौमासा वर्षा ऋतु, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या था? बी, जो सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा मावठ मध्य प्रदेश के किस भाग में होती है? अभी हमने चर्चा की कि जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है उसको क्या बोलते हैं? मावठ। अब हमको ये बताना है कि ये किस क्षेत्र में होती है मध्य प्रदेश के, तो ये हमको मिलेगी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पर मिलेगी। क्या बोला जाता है इसको? मावठ। और एक चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जो मावठ है वो जो रबी की फसलें हैं उनके लिए लाभदायक होती है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बघेलखंड के अंतर्गत बालाघाट, मंडला और शहडोल जिले में किस प्रकार की मिट्टी के लिए जाने जाते हैं? किस प्रकार की मिट्टी इनमें जिलों में मिलती है? ऑप्शन जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या बी और सी दोनों, यानी लाल पीली दोनों मिट्टियाँ।
तो हम देखते हैं हमको कौन सी मिट्टी मिलेगी। तो ये आपका आंसर रहेगा डी, ठीक है, कि इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमको याद रखना है कि बघेलखंड में कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में हम देखें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, ठीक है, इसकी जीवाश्म कमी होती है और मिट्टी कम उर्वरता में कम उर्वर होती है, ठीक है, कम उपजाऊ है, ये याद रखना है। काली मिट्टी का यदि आप देखोगे तो काली मिट्टी आपको मिल जाएगी मालवा क्षेत्र में, नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, और पश्चिमी सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, इस पूरे एरिया में हमको क्या मिलती है, काली मिट्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मृदा को कछारी मृदा कहा जाता है। कौन सा? कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा को, काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, या मिश्रित मिट्टी को? तो किसको कहते हैं हम कछारी मृदा? तो ये कहा जाता है जलोढ़ मृदा को, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद से जो जमाव से मिट्टी जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ क्षेत्र में पाई जाएगी ये? तो जब हम देखते हैं तो ये चंबल क्षेत्र, जिसको हम मध्य भारत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्लियर? ये हुआ निर्माण, आपका मिल गया उपजाऊ मिट्टी होती है और इसको कछारी मिट्टी भी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलाशय से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्यन सागर और रेहंद सागर। तो कौन सा बना हुआ है चंबल नदी पर? तो जब हम देखते हैं हमको मिलेगा राणा प्रताप सागर, ठीक है, क्योंकि चंबल घाटी जो परियोजना है उसके अंतर्गत हम तीन हमने बांध बनाए, एक गांधी सागर, उसके बाद आपको मिल जाता है राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर। क्लियर? हमको ये चीज़ और याद रखनी है कि जो राणा प्रताप सागर है वो कहाँ पर है, तो वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध आपका कोटा में है और जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के कहाँ, मंदसौर जिले में है। किस जिले में? मंदसौर जिले में, ठीक है। ये तीनों चंबल नदी पर बने हुए हैं, ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न जो है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। जब हम देखते हैं क्वेश्चन तो हमको कई बार सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं, कहाँ उनका संगम हो रहा है वो हमसे पूछ लिया जाता है, कहाँ से उद्गम हो रहा है वो सब पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमको ये बताना है कि कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती, ठीक है। तो ये हम देखते हैं तो ये हमको मिलेगी बेतवा। बाकी हम देखें छिप्रा, काली सिंध या पार्वती, ये तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि बेतवा किसकी, बेतवा यमुना की सहायक नदियां, ये हमको क्लियर रखना है। ओके, कितनी 960 किलोमीटर लंबी है ये हमको याद रखना है, ठीक है। सिगार चोटी से निकलती हैं, 346 किलोमीटर लंबाई मध्य प्रदेश में, ठीक है, फिर राजस्थान में जाती है चंबल नदी, ओके, और इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मध्य प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र और फसल क्षेत्रों में बांटा है। तो यहाँ पे आपको संख्या पूछी गई है कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा, तो वो है 11 और 5, कि आपके 11 जलवायु क्षेत्र हैं और 5 फसल क्षेत्र, तो ये हमको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 में, कब, 2011
में मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं और मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए हमने क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना की थी। ये हमारी जगह बतानी है कि किस जिले में है। तो किस जिले में हमको मिलता है? तो वो मिलेगा हमको जबलपुर। ठीक है, याद रखना है कि जबलपुर में है। तो इसी के साथ जबलपुर में भी कहाँ? तो खमरिया जबलपुर। ओके, और देखें तो राज्य में गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो ये पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। ठीक है, और गेहूं और मक्का का जो है वो खमरिया जबलपुर। नेक्स्ट जो है कि मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो डेट हमको देखनी है कब किया गया। नवंबर 2018 में, 27 दिसंबर 2017, 20 नवंबर 2017 या 18 अक्टूबर 2018 को? तो कब किया गया था? तो ये शुरू हुई है 20 नवंबर 2017 को। ठीक है, कौन से विभाग के द्वारा? तो सहकारिता विभाग के द्वारा। क्या करना है? तो इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर परंपरागत जो व्यवसाय हैं, स्थानीय कौशल, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और जो हमारे लघु कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, इसमें जो महिलाएं काम करती हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको क्या किया है? उनके द्वारा सहकारी समितियों का गठन हमको करके उनको रोजगार मुहैया कराना है। तो मुश्किल मेनली है ये रोजगार से संबंधित योजनाएं। चलिए नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? मालवी गाय, निमाड़ी गाय, गावलाव या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हमको गाय की नस्ल, तो सबसे दूध देने वाली नस्ल हमको मिलती है निमाड़ी गाय। कौन सी? निमाड़ी। इसी के साथ याद रखना है कि निमाड़ी को हम निमाड़ की रानी ये नाम हम देते हैं। इसी तरह से जो मालवी गाय मिलती है तो उसको हम मालवा की रानी भी कहते हैं। और जो नस्ल हम बात करें, जैसे कि हमको मिल जाती है कौन सी? साहीवाल। ठीक है, गिर नस्ल हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य नस्लों को भी हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न अनुसंधान केंद्र से संबंधित कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में हमको मिलेगी? बैतूल, जबलपुर, इंदौर या खंडवा? तो ये है जबलपुर में। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मिलेगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। और उसका जो क्षेत्रीय है उसका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर अभिलिखित वनों का विस्तार है? अभिलिखित मतलब रिकॉर्डेड वन कितने हैं, या सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वन, कितने क्षेत्रफल पर वन हैं? 61,886 वर्ग किलोमीटर, 85,689 वर्ग किलोमीटर, 94,689 वर्ग किलोमीटर या 75,689 वर्ग किलोमीटर? तो कितने वर्ग किलोमीटर हमको मिल जाता है? वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में क्या है? वन, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% है। तो ये प्रतिशत हमको याद रखना है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत के, तो भारत का जो वन क्षेत्र है उसका 12.38% क्षेत्र मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में है। ओके, चलिए
अगला जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा कब मान्यता दी गई। यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर प्रोग्राम में कब शामिल किया, तो ये 2022, 2021, 19 या 2020। तो ये हमको याद रखना है, ये 2020 में शामिल किया था, ठीक है। ये किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। हम देखें भारत ने कब इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, तो ये 2011 में, ठीक है, 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इससे पहले देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसको 1981 में हमने बनाया, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 542.76 वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए इसी के साथ जब हम पन्ना को देखते हैं तो हम टाइगर रिजर्व भी हमने बनाया उसे तो 1994 में, तो ये डेट हमको याद रहे, प्रोजेक्ट टाइगर में हमने शामिल किया है, ठीक, 1994। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। वर्ष आपसे पूछा है 1972, 73, 74 या 76, तो ये लागू किया गया है 1974 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण क्यों लागू किया गया है, तो आपको मिल जाएगा, हमको देखते हैं जब, तो जो दुर्लभ प्रजातियां हैं या लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए हम इस एक्ट को लेके आए थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई, 95, 1999, 2002 या 2004। तो मध्य प्रदेश की जो खनिज नीति घोषित हुई है वो हुई 1995 में। ये हमको याद रखना है कि ये प्रथम खनिज नीति है। कौन सी, प्रथम खनिज नीति। इसी के साथ ये और याद रखना है, जो नवीन खनिज नीति है मध्य प्रदेश की वो 2010 की है, ठीक। तो प्रथम आपकी 1995 और दूसरी या सबसे नवीन जो नीति है वो 2010 में घोषित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन से किस्म का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट, तो कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है जो हमको मध्य प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स प्रकार का कोयला, ठीक है, ये हमको याद रखना है कि बिटुमिन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जो कोयले के चारों प्रकार आपको दिए हैं कि एंथ्रेसाइट्स, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट, जब हम इसमें देखते हैं तो सबसे अच्छा या सर्वाधिक उत्तम किस्म का कोयला जो है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, उसके बाद आता है बिटुमिन्स, उसके बाद है लिग्नाइट और उसके बाद है पीट। अब इनकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो वो आपको मिलेगा कि कार्बन की मात्रा किस में ज़्यादा है। जब हम देखते हैं तो यहाँ किस में, एंथ्रेसाइट में 80 से लेकर 95% तक कार्बन आपको मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन्स में इसमें 70 से 80%, लिग्नाइट तो इसमें 40 से 70, और जो पीट जो सबसे निम्न श्रेणी कोयला होता है उसमें 40 से कम। ये चीज़ हमको याद रखनी, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा वर्ष बताना है कि 1961, 1962, 63 या 64, तो कब हुई, 1962 में। चलिए अगला प्रश्न है, आगरगांव होशंगाबाद किस खनिज
के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? कोरंडम, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस या टंगस्टन? तो ये हमको याद रखना है कि ये टंगस्टन के लिए फेमस है, और टंगस्टन जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका एक अयस्क का नाम है वुल्फ्राम। ठीक, ये याद रखना है। इसी के साथ यदि इसका उपयोग हम देखें तो फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट बनाते हैं इसमें इसका मुख्यतः यूज़ टंगस्टन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगौर हीरे की प्रसिद्ध खान ये किस जिले में है? तो खदान हमको देखनी है कहाँ है, पन्ना, बैतूल, सीधी या छतरपुर? तो कहाँ मिलती है हमको? तो हमको ये मिलेगी छतरपुर में। ठीक है, इसी के साथ जैसे कि हमको और भी देखना है कि मध्य प्रदेश में हीरे का स्थान उत्पादन में पहला मिल जाता है, तो और जैसे कि हिनौता वो आपकी पन्ना में मिल जाएगी, मझगवा ये खदान भी आपको मिल जाएगी हीरे से संबंधित, और अंगूर। तो इन खदानों को भी हमको साथ में कंप्लीट करते चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज, चीनी या ऊनी वस्त्र? तो हम मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो हमको अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपा नगर मिल जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो ये हमको मिलेगा कहाँ, इंदौर में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र हमने घोषित किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब कि वहाँ पर जो उद्योग वगैरह हैं उनके लिए क्या कि हमको थोड़ा सा टैक्स कम करना है, टैक्स मुक्त होते हैं और वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है मुक्ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2019 के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो शामिल नहीं हैं वो देखना है, जैसे कि रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय विनियामक वातावरण बनाना या किसानों की आय दोगुनी करना। तो एमएसएमई नीति जो है कौन सी, कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, तो ये किससे संबंधित है? तो देखेंगे हम कि रोजगार सृजन तो इससे भी है, समावेशी विकास से संबंधित है और एक सक्रिय विनियामक वातावरण बनाना भी है, लेकिन इस नीति में किसानों की आय दोगुना करना शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा हमारा, डी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र सर्वाधिक मिलें कहाँ स्थापित की गई हैं? तो सूती वस्त्र के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर? जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग तो मुख्यतः हमको मिलेगा इंदौर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल है वो कहाँ? तो वो बुरहानपुर में हमने स्थापित की थी 1906 में, ये याद हमको रखना है। चलिए, उसके बाद 1907 में मालवा मिल, तो ये इंदौर में स्थापित की गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या था कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सी जल विद्युत परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या इनमें से कोई नहीं? जब हम देखते हैं तो कौन सी, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना हमको मिल जाती है, क्योंकि हम चंबल घाटी परियोजना में, हमने तीन परियोजना की बात की थी अभी, एक गांधी सागर, एक जवाहर सागर और एक राणा सागर। ठीक है, तो ये शुरू कब हुई थी,
यदि शुरू की हम बात करें तो ये 1954, और पूर्ण कब हुई तो पूर्ण हुई 1960। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कहाँ पर है? मंदसौर, मध्य प्रदेश जिला हमको याद रखना है। और जो इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ये याद रख। और इसमें हम कितनी बिजली, तो इसकी क्षमता है 115 मेगावाट, जिसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिट के रूप में हम काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन कौन से राज्य बाण सागर परियोजना के अंतर्गत आते हैं? चलिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे पहले तो जब यदि हम देखें कि बाण सागर परियोजना तो कौन सी नदी पर है, तो जब हम वो हमको मिलेगी सोन नदी पर। ठीक है, तो सोन नदी आपकी कहाँ कहाँ बहती है वो हमको क्लियर हो जाए, तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आंसर बी। कौन नदी हमको याद रखनी है? सोन नदी, जहाँ पे हमने बांध जो बनाया बाण सागर बांध, वो कहाँ पे? शहडोल जिले में। ठीक है, शहडोल के भी देवलोंद गांव में, ये हमको याद रखना है। तो ये थे हमारे मुख्य प्रश्न जो आपने टेस्ट में सॉल्व किए थे, उसकी व्याख्या अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से आगे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रहिए। थैंक यू।